फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जितेंद्र कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि भारत सरकार के द्वारा शिक्षा नीति जो है उसमें सुधार किया गया है और ये 34 साल के बाद यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी और एक गुड न्यूज है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अभी तक आप और हम यही सोचते थे, छोटी क्लास के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल का बैग का जो बोझ है इसको ही वेयर नहीं कर पाते हैं और शुरू से ही उनको ढेर सारा सिलेबस कलेक्ट करके दे दिया जाता है। या 11 12th के बाद में बच्चे जो हैं कॉमर्स पढ़ रहा है तो कॉमर्स ही पढ़ता रहेगा, आर्ट पढ़ने वाला आर्ट ही पढ़ता रहेगा, ये कोई भी एक दूसरे के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पा देते। मतलब यदि आपने यदि चॉइस अलग किया तो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सब आपका खत्म हो जाता था, जो आपका पढ़ा हुआ सिलेबस है। So friends, अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत सरकार ने जो परिवर्तन किया है उसके अलग अलग पहलुओं पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उम्मीद करूंगा आप लोग मेरी इस वीडियो को देखते हुए इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्योंकि ये जो नई पॉलिसी आई है शिक्षा की नीति, यह पुराने स्टूडेंट और नए स्टूडेंट सभी के लिए फायदेमंद है। क्योंकि पुराने स्टूडेंट ये बिल्कुल ना समझे कि उन्होंने पढ़ लिया है, उन्होंने अपना टाइम दिया, लेकिन उनके लिए जॉब के अवसर और ज्यादा होंगे और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई और आसान हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अभी तक में जो शिक्षण की जो पॉलिसीज होती थी वो कैसी होती थी, दस धन दो की होती थी। आप सभी ने देखा होगा दसवीं अथवा बारहवीं की मार्कशीट जो होती है उस पे दस धन दो लिखा था। क्या है दस धन दो? मतलब कि पहली से लेके दसवीं तक की जो शिक्षा होती थी वह ऐसा प्राइमरी या हाई स्कूल लेवल तक में होती थी। इसके बाद एक बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट होता था दसवीं का, जिसको एक फाइनल स्टेज माना जाता था। फिर इसके बाद आप जो दो लिखा हुआ है यहाँ जो दो क्लासेस पढ़ते थे आप 11th 12th, उसमें क्या करना पड़ता था, आपको एक सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता था और उस सब्जेक्ट की ओर अग्रसर होना पड़ता था, ठीक है ना। यहाँ पर पहली से लेकर दसवीं तक में आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना अनिवार्य था। यहाँ पर कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं था, सारी बुक्स सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना अनिवार्य था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ है, जो भारत सरकार ने यहाँ पर चेंजेस किए हुए हैं हम इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले इस पांच में यदि हम बात करें तो इस पांच में क्या आ रहा है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो प्ले नर्सरी जो क्लासेस कहलाती है, प्ले नर्सरी, यूकेजी, यूकेजी, एलकेजी, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड, ये पूरा इन पांचों क्लासेस का कॉम्बिनेशन जो है वो है प्री प्राइमरी क्लासेस कहलाएगा। और इस प्री प्राइमरी में भी जो शुरू के जो 3 साल इसको प्री प्राइमरी बोला गया है, राइट, जिसमें आपको ये पहले से 1 2 3 4 5 इन पांचों साल में बच्चों को बुक्स का कोई बर्डन नहीं होगा। अर्थात बच्चा आएगा, खेलेगा, कूदेगा और हर चीज जो है वह उसको एज अ वीडियो के माध्यम से या खेल खेल में हर चीज सिखाया जाएगा, उस पर किताबों का बर्डन बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य है या तुम्हें हिंदी पढ़ना अनिवार्य, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में उसका मन जो है स्कूल के प्रति लगाव होना चाहिए। फ्रेंड्स आप देखते हैं आज भी हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको जबरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे हैं जो इजीली चले जाते हैं लेकिन फिर भी भेजना पड़ता है क्योंकि स्कूल के एटमॉस्फेयर वैसे अभी नहीं है, शिक्षा नीतियां वैसी नहीं। जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये 5 साल जो है वो यहाँ पर ऐसे दिए गए। अब आगे के जो 3 साल है इसमें 3rd 4th और 5th, इन 3 सालों में उनको शिक्षा में जो है नॉर्मल जो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, इनके बारे में ही आपको हर चीज बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी और आप उससे रिलेटेड ही आप तैयार कर सकते हो। मतलब आपको ये बाउंडेशन नहीं होगा कि आपको इंग्लिश लेना अनिवार्य है या आप इंग्लिश को जबरदस्ती पढ़ें। इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर होगी जिसको आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक चॉइस होगी इंग्लिश के लिए। और आगे चलते हैं, यहाँ पर जब बात होती है इस तीसरे ईयर के लिए तो यहाँ पर आता है 6 7 8, यहाँ पर 6 7 8, ये 6वीं 7वीं 8वीं के लिए। इस 6वीं 7वीं 8वीं में आप कला या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान,
और अन्य सब्जेक्ट जो हैं इनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर छठवीं सातवीं के बाद में बच्चे जो हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को ले सकते हैं। इसमें नए सब्जेक्ट जो हैं जैसे संगीत है, कला है, इनका भी इन्वॉल्व किया गया है और इनको भी ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि यदि किसी बच्चे को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो वो यदि चाहे तो इस टाइम पीरियड में, स्कूल टाइम पीरियड में ही वह किसी पेंटर से पेंटिंग का कोर्स कर सकता है, सीख सकता है, क्योंकि ये उसके स्किल्स को बढ़ाएगा इन फ्यूचर के लिए। और बाकी आगे आ जाते हैं, यहाँ पर 9, 10, 11 और ये 12, ये 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जो शिक्षा है ये हो जाएगी पूरा सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित। अर्थात अभी तक में बच्चे जो हैं फाइनल ईयर का पूरा एक एग्जाम देते थे, बोर्ड का एक एग्जाम देते थे कि उन्होंने कहा कि भाई टोटल हमको आखिरी का एग्जाम देना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको 6-6 महीने में उनको फाइनल का एग्जाम देना होगा और 6-6 महीने की रिपोर्ट के आधार पर ही उनका एक टोटल फाइनल अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा उनका रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, ये हुई यहाँ पर फॉर्मूले की बात, यहाँ पर ये स्कूल लेवल तक का ये फॉर्मूला रहा। अब इसके बाद देखते हैं आगे, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छठवीं क्लास के बाद में बच्चे जो है वह कंप्यूटर कोडिंग को सीख सकते हैं। कंप्यूटर कोडिंग के अलावा यहाँ पर बच्चे इंटर्नशिप का कोई भी कार्य सीख सकते हैं। मतलब यदि उसको पेंटिंग अच्छी लग रही है या उसको और अन्य कोई भी चीज यदि अच्छी लग रही है सब्जेक्ट के तौर पर, वह उस सब्जेक्ट को ले सकता है और उसके लिए वह प्रिपरेशन कर सकता है। और आगे देखेंगे यहाँ पर आपको जो मैंने अभी बताया है, इस पूरी शिक्षा नीति के द्वारा बच्चे जो हैं अपने अंदर बॉडी में एक नया स्किल्स लेकर आएंगे, क्योंकि पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी इसके अंतर्गत सभी ने पहली से लेकर दसवीं तक या ग्यारहवीं बारहवीं तक में सबने इस तरीके से बॉन्डेड पढ़ाई की हुई है कि अब हम तो ऐसा पढ़ ही रहे हैं। अर्थात रेस में जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं तो हम दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, किसी को भी ये नहीं मालूम कि हमको करना क्या है। पहली से लेकर के बारहवीं तक के छात्र अपना डिसीजन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बच्चा तीसरी से लेकर के छठवीं तक के बीच में बच्चे की जिस विषय में रुचि होगी, टीचर्स जो इन बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा उसमें इनकी रुचि, इनका सामाजिक ज्ञान, हर चीज की विवेचना होगी, जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है और पेरेंट्स उस बच्चे को उस फील्ड में भेज सकते। फ्रेंड्स, नई पॉलिसी में क्या चेंजेस हुआ है यहाँ पर देखेंगे। अभी तक में क्या होता था कि 11th और 12th में बच्चा जब आता था तो उसको एक ग्रुप को पढ़ना होता था, जैसे आर्ट या साइंस या मैथमेटिक्स या कॉमर्स। इन ग्रुप में जब वह एंटर करता था तो उसको जो निर्धारित सब्जेक्ट थे उसे वही पढ़ना होता था। यदि वह चाहता कि वही किसी दूसरे सब्जेक्ट को वो पढ़ सके तो ऐसा नहीं होता था। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, नई पॉलिसी के अंतर्गत यदि वो चाहे तो वह कुछ नए सब्जेक्ट जो है उनको रिप्लेस करके दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जैसे यदि मान लीजिए कॉमर्स वाला बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहता था तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है, या आर्ट वाला बच्चा जो कॉमर्स पढ़ना चाहता था वह उस कॉमर्स सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है। मतलब कि अब पढ़ाई के तौर पर कहीं पर भी कोई भी बॉन्डेशन नहीं होगा कि आपको यही पढ़ना होगा। मतलब आपने जो स्ट्रीमिंग पहले ले ली और आपको उसी लेवल पर चल रहा होगा, इसके अलावा और कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। फ्रेंड्स, और आगे चलेंगे। हाँ, यहाँ पर इस पूरे कोर्स में, इस पूरे इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसमें कहीं से कहीं तक अनिवार्यता नहीं होगी। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है एक सब्जेक्ट के रूप में होगा और ये ऐच्छिक होगा। फ्रेंड्स, पेपर देने के लिए जो भाषा यूज की जाती थी पहले, पुरानी पद्धति में ये रहता था यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम से ही लिखना पड़ेगा, इंग्लिश से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मतलब कि यदि आप कोई पेपर को, किसी एग्जाम के जो पेपर है उसको यदि आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी भाषा में लिखना चाहें तो आप उसका आंसर उसी भाषा में लिख सकते हैं, इस चीज की आपको कोई अनिवार्यता नहीं होगी। इसके बाद कक्षा बारहवीं के बाद यदि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो परसेंटेज यहाँ पर कोई बॉन्डेशन नहीं होगी। अर्थात यदि किसी परसेंट यदि कम भी है तो भी आप CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वह आप दे करके किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, स्कूल लेवल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का एक रिपोर्ट कार्ड जो पहले बनता था उसी लेवल का
एक और रिपोर्ट कार्ड, वही रिपोर्ट कार्ड बनेगा, लेकिन अब इसमें देखिए क्या चेंजेस होंगे। इस रिपोर्ट कार्ड में होने वाली जो एक्टिविटीज थी सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक तौर पर, या उस बच्चे के बौद्धिक या स्किल्स जो भी है उसके उसके आधार पर उसका आकलन किया जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड का आंकलन जो है वो है अकेले टीचर नहीं करेंगे, इसको थ्री लेवल में इन्होंने बांटा हुआ है। ये थ्री लेवल कैसे कैसे होंगे, सबसे पहले इस रिपोर्ट कार्ड का अध्ययन वो है स्वयं करेगा स्टूडेंट, वो है खुद मार्किंग करेगा कि हम से क्या बनता है क्या नहीं बनता। इसके बाद में इस रिपोर्ट कार्ड का मूल्यांकन उसके सहपाठी जो हैं, उसके जो साथी हैं, उसके थ्रू होगा, अर्थात क्लास के स्टूडेंट के थ्रू इसका रिपोर्ट कार्ड का मूल्यांकन किया जाएगा। देन थर्ड प्रोसेस पर जो क्लास टीचर है यह इस रिपोर्ट कार्ड का मूल्यांकन करेंगे, अर्थात स्टूडेंट स्वयं यह समझ सकें कि हम कितना कैच कर पा रहे हैं, कितना गेट कर पा रहे हैं, जिससे उसको खुद पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है वह यह पता कर सके, और जिससे वह इस चीज को पूरा करने की कोशिश करेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कॉलेज के स्टूडेंट्स को क्या फायदा होने वाला है इस चीज को देखेंगे। कॉलेज की पढ़ाई जो थी जिसकी अनिवार्यता पहले 5 साल तक की होती थी और इससे ज्यादा भी होती, अब इस चीज को खत्म कर दिया गया है। अब कॉलेज जो है वह 3 साल का प्रारंभिक तौर पर होगा या अधिकतम 4 साल के लिए होगा। देखेंगे फ्रेंड्स कैसे है, यदि कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन तक में पढ़ाई नहीं करना चाहता, उच्च स्तरीय पढ़ाई यदि नहीं करना चाहता, तो वह चाहे तो वह कॉलेज के शुरू के साल को ही पढ़ सकता है, स्टार्टिंग में ही पढ़ सकता है। अर्थात यदि कोई स्टूडेंट पहले साल में पढ़ करके अपनी पढ़ाई मान लीजिए छोड़ देता है, तो इसको कॉलेज में इसको मार्कशीट मिलने के बाद इसको जो डिग्री मिलेगी वह कहलाएगी इसका सर्टिफिकेट कहलाएगी, जो मार्कशीट कहलाएगी वो सर्टिफिकेट के रूप में होगी। यदि कोई स्टूडेंट दूसरे साल को कंप्लीट करता है तो इसको एक डिप्लोमा मिलेगा कि आप सेकंड ईयर तक कंप्लीट हो चुके हो, एंड कोई स्टूडेंट यदि थर्ड ईयर को कंप्लीट करता है तो यह उसके लिए कहलाएगी डिग्री, यह इसके लिए कहलाएगी डिग्री। अच्छा, इसके बाद में यहां पर भी बात आपसे वही की जा सकती है कि आप यदि चाहें तो यहाँ पर सब्जेक्ट का चुनाव जो है प्रारंभिक तौर पर आप अपने सब्जेक्टों को चुनाव अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए कोई फाउंडेशन नहीं होगा। जिन बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा करना है तो उनके लिए 34 साल की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। इसके बाद यदि एमए वगैरह होता है तो एमए के जस्ट बाद आपको पीएचडी 1 साल में करने की परमिशन होगी। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बोला गया है और इस चीज का बेनिफिट मिलेगा इनको। अभी तक मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स में कई बार इस चीज को लेकर दिमाग में एक बात आती थी कि मैंने पहला साल पढ़ लिया है और किसी कारणवश घर की कमजोरी या आर्थिक अवस्था के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, तो यहाँ पर क्या होता था, डायरेक्ट उसको सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं मिल पाता था रेगुलर कोर्सेज में, उसको यही कहा जाता था आप फर्स्ट ईयर को फिर से पढ़िए। अब लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, यदि कोई स्टूडेंट जो है यदि इसने पहला साल कंप्लीट कर लिया तो देन उसको सर्टिफिकेट तो मिल ही जाता है, लेकिन यदि मान लीजिए एक टाइम एक निश्चित पीरियड जो है उसके बाद यदि वो पढ़ाई करना चाहता तो उसको वापस सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑनलाइन फैसिलिटीज में क्रेडिट बैंक फैसिलिटीज जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। अब ये क्या है क्रेडिट बैंक, थोड़ा सा देखेंगे। जो क्रेडिट बैंक फैसिलिटीज है इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए आपने पहले साल को आपने पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर को आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, तो आपको हर साल जब ईयर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक निर्धारित अंक मिलेंगे, कुछ निर्धारित अंक मिलेंगे जो कि आपके क्रेडिट बैंक में रिकॉर्डेड होते जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे आपने पहले साल में किया तो आपका जो भी मार्किंग है वो यहाँ पर आपका रिकॉर्डेड हो गया, ऑनलाइन हो गया। अब मान लीजिए कुछ समय के बाद में आपने फिर से दूसरा साल किया तो ये भी आपका क्या हो गया, रिकॉर्डेड हो गया। अब क्या होगा, मान लीजिए इस पढ़ाई के दौरान आपने गैप कर दिया, नहीं पढ़ पा रहे और फिर एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में आपका आना फिर से हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 सालों की जो पढ़ाई थी ये आपकी वेस्टेज नहीं होगी। इसमें आपको ऑनलाइन जब आप स्टेटस देखेंगे तो ये जो पढ़ाई के मार्किंग है ये आपके पहले से उपस्थित होने के कारण आपको डायरेक्ट थर्ड ईयर में प्रवेश मिलेगा, जिस कारण से आपके जो 2 साल हैं ये पूर्णतः सेफ बचेंगे।
अभी तक मैं बच्चों को इस चीज को लेकर के बहुत समस्याएं होती थी। कोई बच्चा यदि सेकंड ईयर को पढ़ने के बाद में यदि वो छोड़ देता था तो उसको फाइनल ईयर देने के लिए नहीं मिल पाता था। तो भारत सरकार ने इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस चीज में बदलाव किया है और इस शिक्षा नीति का जो इस पूरी शिक्षा नीति को एक व्यवस्थित नाम जो दिया गया है, इसको नाम दिया गया है मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट फैसिलिटी। क्या नाम दिया है? मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप सब्जेक्ट जो है, अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे कॉलेज में आपका जो ग्रुप है उसके अलावा भी आप कोई अन्य सब्जेक्ट या अन्य फैसिलिटीज के थ्रू आप कोई विषय लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आप वह भी लेकर के एक साथ पढ़ सकते हैं। इसमें कोई फाउंडेशन नहीं होगा। जैसे पिछली प्रणाली के अनुसार क्या होता था कि जैसे यदि आप कॉलेज पढ़ रहे हैं उसी टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको एक विशेष सर्टिफिकेट कोर्स नहीं कर सकते। जैसे कोई आईटीआई कर रहा है तो वह उस समय जब तक आईटीआई चल रही है वो कॉलेज में नहीं जा सकता था, कुछ ऐसा रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप आईटीआई भी कर सकते हैं, कॉलेज कर रहे हैं कॉलेज भी कर सकते हैं। आपको इन दोनों की नंबरिंग जो है वह एक साथ काउंटिंग होगी और यह पूरा का पूरा आपका जो डिग्री है ये किसमें मिलेंगे मार्किंग? आपको इस क्रेडिट बैंक में मिलेंगे। जैसा हमारा बैंक सिस्टम रहता है, हम पैसे जमा करते हैं, इसी तरीके से हम एजुकेशन में हम जो भी डिग्रियां या हम जो भी हमारी रैंकिंग लेते जाएंगे हमारे मार्क्स इसमें जोड़ते जाएंगे जो कि लाइफ टाइम हमारे काम में आएंगे। मतलब कि आप यदि किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अलग से सर्टिफिकेट जो है वो है, आपको ये क्लियर करने की जरूरत नहीं कि आपको कोई कोर्स कंप्लीट हो पाया है या नहीं। आपने उसमें एक साल दो साल जितना भी समय दिया है आपको उसका बेनिफिट बाकायदा मिले। फ्रेंड्स, पुरानी पद्धति के अंतर्गत सभी के पेरेंट्स को इस चीज की बड़ी टेंशन होती थी कि हमारा बच्चा जब हायर स्टडीज में पहुंचेगा, नई क्लासेस पढ़ेगा तो फीस बहुत देना होगी। तो आपको इस चीज के लिए भी बता दें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए भी बोला है कि जो फीस है कॉलेज लेवल पर लगने वाली जो भी फीस है इसका एक लिमिटेशन तैयार किया जाएगा, इससे ज्यादा फीस नहीं लिए जाएगी। अर्थात अब जो पढ़ाई होगी वह कैसी होगी? वह सस्ते में ही होगी, मतलब बहुत महंगा नहीं होगा, जिसको एक मिडिल क्लास फैमिलियर भी अफोर्ड कर सके। आगे देखेंगे, अभी ये जो शिक्षा नीति है, ये जो शिक्षा नीति दी गई है इसको कैबिनेट सरकार द्वारा इसको परमिशन दे दी गई है। आगे ये जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसकी मंजूरी हो जाने के बाद यह बिल जो है पूर्ण रूप से पारित हो जाएगा। और यकीन मानिए यह पॉलिसी लगभग 2021-22 में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है और अभी काफी टाइम पीरियड है, लेकिन ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस साल, ये साल तो कोरोना के कारण सभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, कोरोना के कारण अब स्टडीज नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अभी पुरानी पॉलिसीज ही चलेंगी। लेकिन नए साल में जब ये पॉलिसीज लागू हो जाएंगी तो आने वाले सभी नए स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। और आप ये मानिए आपके द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की डिग्रियों का बेनिफिट आपको समूल एक साथ मिलेगा जो कि ऑनलाइन क्रेडिट बैंक के माध्यम से होगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में जो भी चीजें बताई हैं इस पॉलिसी के बारे में, यदि किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कृपया करके मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको डाउट किस स्थान पर है और मैं आपके डाउट को क्लियर भी कर दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जुड़ने के लिए कहें।